सीएम शिवराज सिंह चौहान खरगोन दंगे में पीड़ित लिबर्टिया लक्ष्मी की शादी में वर्चुअली शामिल हुए। सीएम के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह ने भी लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी की शादी में सभी इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए थे, उसे स्कूटी भी भेंट की गई। शादी समारोह में कृषि मंत्री कमल पटेल सहित तमाम आला अफसर मौजूद रहे। बता दें कि खरगोन दंगे में उपद्रवियों ने लक्ष्मी के घर को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें शादी के लिए रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया था। सीएम ने जल्द ही खरगोन जाने की बात भी कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल शामिल होने के दौरान कही। कृषि मंत्री कमल पटेल खुद शादी समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक वर्चुअल रूप से भोपाल से खरगोन जुड़े और खरगोन की बिटिया लक्ष्मी की शादी में शामिल हुए। वर्चुअली रूप से उन्होंने आशीर्वाद दिया। कृषि मंत्री कमल पटेल और खरगोन के प्रभारी मंत्री कमल पटेल खुद कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर बिटिया को आशीर्वाद दिया और तमाम इंतजाम जो शादी में किए जाते हैं उसको लेकर व्यवस्थाओं को देखा और व्यवस्था वहां पर की। सरकार ने शादी का पूरा खर्च उठाया। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी खरगोन में, जिसमें घर भी जला और शादी के लिए जो सामान इकट्ठा करके रखा था उसकी भी लूटपाट कर ली गई। मैं इतना ही कहता हूं कि दंगाइयों को तो हम कड़ी सजा देंगे ही, अभी हमने अलग से ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, जिनने नुकसान पहुंचाया उनसे वसूली भी करेंगे। लेकिन लक्ष्मी की शादी धूमधाम से हो, यह हम सबकी हृदय से इच्छा थी। और आज मैं समझता हूं, दीपक को भी मैं कह रहा हूं, ये लक्ष्मी सचमुच लक्ष्मी है। ऐसी शादी बड़े भाग्य से होती है। अब दीपक, तुम्हारा और बरातियों का स्वागत करने मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, वरिष्ठ नेतागण, पूरा समाज इकट्ठा है। मेरी ओर से, मेरी पत्नी की ओर से, परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, आशीर्वाद भी। मेरी तरफ से भाई कमल पटेल इस विवाह के अवसर पर बिटिया लक्ष्मी को वॉशिंग मशीन और एक्टिवा स्कूटर की चाबी देंगे। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, मामा साथ है, ये सरकार साथ है, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। हम हर संभव आपकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और इस संकट से पार निकाल के आपको ले जाएंगे। इसलिए तो हमारी सरकार है। एक बार फिर मैं प्रिय लक्ष्मी को, दीपक का हृदय से आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं। मैं जल्दी खरगोन आऊंगा और मौका लगा तो गुजरात में लक्ष्मी के घर पहुंच जाऊंगा एक आध बार, वह देखेंगे हम लोग। और खरगोन वासियों, मैं जल्दी आपके बीच खरगोन आऊंगा। एक बार फिर मैं अपनी पत्नी की ओर से, स्वयं अपने परिवार की ओर से, अपनी बेटी को, दामाद को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।